हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मींस क्या होता है? अंदर। और आउटसाइड मींस क्या होता है? बाहर। इनसाइड मींस अंदर एंड आउटसाइड मींस बाहर। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो। ये पिक्चर बना हुआ है एक हाउस का। काफ़ी चीज़ें घर के अंदर हैं और काफ़ी चीज़ें घर के बाहर हैं, मतलब इनसाइड है और आउटसाइड है। तो अब हम जानेंगे इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। जैसे कि यहाँ एक बेल लगी हुई है, वो घर के टेरेस पे ऊपर लगी हुई है, तो ऊपर मीन्स बाहर लगी हुई है, तो क्या हुआ? आउटसाइड। और यहाँ देखेंगे एक सन बना हुआ है, वो घर के बाहर है, तो क्या हुआ? आउटसाइड। और यहाँ कुछ क्लोथ्स हैं जो घर के बाहर लगे हुए हैं, तो वो क्या हुआ? आउटसाइड। घर के बाहर वाली चीज़ें आउटसाइड और घर के अंदर वाली चीज़ें इनसाइड। ऐसे कोई भी चीज़ जो घर के अंदर होती है वो क्या होता है? इनसाइड। और घर के बाहर होती है वो क्या होता है? आउटसाइड। जैसे यहाँ क्रोकोडाइल है, वो घर के अंदर है, तो क्या हुआ? इनसाइड। यहाँ डॉगी बना हुआ है, वो घर के अंदर है, अपने घर के अंदर है, तो क्या हुआ? इनसाइड। आप अगर घर के अंदर हो तो क्या होगा? इनसाइड। और घर के बाहर हो तो क्या होगा? आउटसाइड। जैसे यहाँ पे एक बर्ड बनी हुई है, बटरफ्लाई बनी हुई है, ये ट्री के ऊपर बैठी है, तो घर के बाहर है, तो क्या हुआ? आउटसाइड। तो इसका पूरा मतलब है जो घर के अंदर होती है वो इनसाइड और जो घर के बाहर होती है वो आउटसाइड। अब यहाँ पे हम एक पिक्चर के थ्रू देखेंगे। यहाँ दो फिश पॉट बने हुए हैं और इसमें एक दो फिश भी हैं। ये फिश पॉट के अंदर फिश है वाटर में और ये फिश पॉट के बाहर है, तो ये अंदर है जो वो इनसाइड और ये बाहर है वो आउटसाइड। ये पॉट के अंदर है वाटर में और ये पॉट के बाहर है, मतलब आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड। अब हम देखेंगे ये कलर बॉक्स के थ्रू देखेंगे। यहाँ टू मैंने कलर्स रखे हैं और इसमें बॉक्स में कलर्स रखे हैं। जो कलर बॉक्स के कलर अंदर रखे हैं वो क्या हुआ? इनसाइड। और ये टू बाहर रखे बॉक्स के, तो ये क्या हुआ? आउटसाइड। ये कलर्स बॉक्स के अंदर हैं तो क्या हुआ? इनसाइड। और ये बाहर हैं तो आउटसाइड। जो चीज़ें बाहर होती है वो आउटसाइड और जो चीज़ें अंदर होती हैं वो इनसाइड। अब हम क्या पढ़ेंगे? राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट क्या होता है? अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे टू हैंड्स बने और बीच में क्या है? अर्थ बना हुआ है। टू हैंड्स के बीच में अर्थ बना हुआ है। अर्थ का राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, ये देखेंगे। ये अर्थ के बीच टू हैंड्स हैं, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। जैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। राइट लेफ्ट। जैसे कि यहाँ पैंट बना हुआ है, उसके दो साइड्स है, ये राइट साइड है और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। ऐसे कई सारे काम होते हैं जो हम राइट हैंड से करते हैं और मोस्टली कम लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं। जैसे हम खाना राइट हैंड से खाते हैं, लिखते राइट हैंड से, हर काम ज़्यादातर राइट हैंड से करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है एक चेयर पे, उनके सामने दो गर्ल्स खड़ी हुई है। एक गर्ल राइट हैंड साइड खड़ी हुई है और एक लेफ्ट हैंड साइड खड़ी हुई है, तो ये क्या हुआ? राइट। ये राइट तरफ खड़ी हुई है और ये लेफ्ट, तो ये राइट एंड लेफ्ट। अब हम यहाँ देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। ये दो बॉल्स हैं मेरे हैंड्स में, ये बॉल मेरे राइट हैंड में और ये वाली बॉल मेरे लेफ्ट हैंड में है, तो ये क्या हुआ? राइट और ये लेफ्ट। राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट। ऐसे ही आप घर पे इनसाइड एंड आउटसाइड
एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट। ये घर पे आप प्रैक्टिस करवा सकते हो, बच्चों को इसका नॉलेज दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।